मैरी मैरी तुम ना मेरी लाइफ का एक तोहफा हो। तोहफा छोड़ो, क्या बुक पढ़ रही हो यार? आओ ना एंजॉय करते हैं। स्टूपिड हो क्या? तुम्हें पता है ना मैं बुक पढ़ रही हूँ। सॉरी। बेवकूफ कहीं के, गवार हो क्या? किस टाइम पर क्या चीज करनी चाहिए ये भी नहीं पता तुम्हें? हर चीज का ना एक वक्त होता है। I'm so sorry. अभी जाओ मेरे लिए एक ड्रिंक बना के लाओ और उसमें सोडा होना चाहिए। गो नाउ। ओके। हाँ हेलो। हाँ मनीष बोलो। आज का प्लान सेट है ना? और राकेश को भी फंसाना है हमें। हाँ मैं तैयार हूँ, तुम तैयार हो ना? मैं तैयार हूँ, तू बस अपना काम कर दे। ओके। I'm so sorry. मैं कुछ ज्यादा ही रूड हो गई थी ना। इट्स ओके, मेरी गलती है, ये तुम्हारे लिए। कुछ ही वक्त रह गया यहां से निकलने में, पर इस मालती को कैसे हासिल करूं? एक बार इसकी मिल जाए तो बस। मनीष बाबू क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। अच्छा मैं वॉशरूम जाके आती हूँ। जी। अगर ये ऐसे नहीं मानी तो इसको बेहोश करके लेना होगा। एक काम करता हूँ, इसकी ड्रिंक में दवाई मिलाता हूँ। जी मैंने आपके लिए ड्रिंक बनाया है। ठीक है। तो सपना जी आपने क्या सोचा है? किस बारे में? वही गप्पा गप के बारे में। हमने सोचा है कि गप्पा गप और लबालब के लिए हमें थोड़ा टाइम चाहिए। पर क्यों? हर क्यों का जवाब नहीं है मेरे पास। फॉर योर फ्यूचर। देखिए एक ही आदमी का देखा है मैंने और उसी के साथ रहे हैं हम। थोड़ा टाइम तो लगेगा ना दूसरे का देखने के लिए। थोड़ा टाइम दो ना हमें। अरे देख क्या रहे, पी लीजिए, नहीं तो हम गप गप के बारे में सोचेंगे नहीं। पी लीजिए।
अरे यार, मैरी कहाँ रह गई? इसी चक्कर में ना सुबह से कुछ खाया है ना पिया है, पता नहीं कहाँ रह गई। रुको, अच्छी लग रही हो तुम इन कपड़ों में। सॉरी। क्या कहा आपने? सॉरी कहा तुम्हें। आपके मुंह से ऐसे शब्द अच्छे नहीं लगते। नहीं लगते, सोचता हूं तो लगता है मैं कितना गलत हूं। अभी इन बातों का कोई फायदा नहीं है राकेश। ओ सॉरी सॉरी निखिल। हो सके तो मुझे माफ कर देना। माफ? अरे मेरी, कहाँ हो तुम सुबह से? कब से ढूंढ रहा हूं तुम्हें। क्या 105 तुम्हारे रूम में? मैं बस अभी आया। ओके। क्या मुसीबत है। भगने भी नहीं देते यार अच्छे से। हेलो बहन के लौड़े, कहाँ मर गया तू? वो मालती के पल्लों में छुपके बैठा है क्या? नहीं नहीं यार, वो तो मैं बस। वो सब छोड़, प्लान को अंजाम देना है या नहीं? क्या देना है ना, क्यों नहीं देना? तुम वो सब जरूर लेकर आना जिसमें राकेश की उंगलियों के निशान है। हाँ लेके आई हूँ, तू जल्दी आ। हाँ आता हूँ मैं। मैरी, मैरी। मैंने कुछ नहीं किया सर। हवलदार। मैंने कुछ नहीं किया। गिरफ्तार करो इसे। सर सर, मैंने नहीं किया सर। आप कौन? मैं इनकी पत्नी। ये बेकसूर है, इन्होंने कुछ नहीं किया। क्या सबूत है आपके पास? ये है। सर, ये सब मैरी और मनीष का क्या धरा है? मेरे पति को फंसाने के लिए उन्होंने ये सब किया है। जब मैंने अपने पति को मैरी के साथ देखा, तब जानबूझ के मनीष मेरे पास आया। अरे वाह, राकेश को तो तूने फंसा लिया। अब तो आखिरी दांव बाकी है। अब तो तुम समझ जाओ, राकेश तो गया। हमें नहीं पता सर कि अब उनका अगला प्लान क्या है। सिर्फ इसीलिए, उनका प्लान जानने के लिए मैं मनीष के करीब गई। पर आज जब मनीष ने बेहोशी वाली ड्रिंक पिलाई, ट्रांसफर हो गया। मैंने उसके फोन से सारे रिकॉर्डिंग्स अपने फोन में ले ली। और भी रिकॉर्डिंग्स है, अगर आप चाहे तो सुन सकते हैं। बहुत काबिले तारीफ काम किया है आपने सपना। हवलदार। जी सर। हमें उन दोनों को जल्दी पकड़ना। ठीक है। ज्यादा दूर नहीं भागे होंगे इस साल। मैं काम करो। हाँ सर। बॉडी की पोस्टमार्टम की तैयारी करो। आप दोनों को कुछ फॉर्मेलिटीज के लिए हमारे साथ पुलिस स्टेशन जाना। या श्योर। हवलदार, बॉडी की पोस्टमार्टम की तैयारी करो। आइए। सॉरी। क्या करें, हम गवार औरत है ना, अपना फर्ज पूरा करेंगे ही।
चाहे पति साथ रहे या ना रहे। ऐसा क्यों बोल रही हो? मैं जानता हूं कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है, मुझे माफ कर दो। ये क्या कर रहे हो आप? पाप दिला रहे हो? मैं जानता हूं मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है, प्लीज मुझे माफ कर दो। एक ही शर्त पे, आपने कभी मेरी बात माने ही नहीं, इस बार मानेंगे? तुम कहकर तो देखो। आपने हमारी बात तो कभी माने ही नहीं। जरूर मानूंगा। ये मंगलसूत्र फिर से पहना दो, मेरा ये लाइसेंस। थक गए हम ये सब पहन के आपके चक्कर में। अच्छा, बुरा है भला है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। अच्छा, एक काम करें, गांव की जमीन बेचकर यहाँ पर एक प्लॉट खरीद लें। ना बाबा ना, हमें अपना गांव पसंद है, हमें नहीं चाहिए यहाँ पे। फिर से कोई मेरी मिल गई ना, फिर से हमें ये अवतार लेना पड़ेगा। हम जैसे हैं वैसे ही खुश हैं। चलो घर चलते हैं। अब तो परफॉर्मेंस अच्छी दोगे ना? चलो।